एंड व्हाट्स गोइंग ऑन पीपल, माय नेम इज रजत सामंता एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो? आज मैं लेके आया हूँ वीक 4 डे 2 वर्कआउट। सो और ज़्यादा कुछ ना टाइम वेस्ट करते हुए आप वर्कआउट की तरफ चलते हैं। और आज का वर्कआउट है ये, हम करेंगे 4 टाइम, स्टार्ट करेंगे 100 स्किपिंग से, फॉलोड बाय 21 बर्पीज, देन करेंगे 75 स्किपिंग, देन करेंगे 15 बर्पीज, देन करेंगे 50 स्किपिंग एंड देन करेंगे 9 बर्पीज 4 टाइम। ये वर्कआउट को करने के लिए 15 मिनट का हम कैप टाइम लेंगे, उसके अंदर हमको ये पूरा वर्कआउट फिनिश करना है, राइट? तो आप सोच रहे होंगे कल भी हमने बर्पी किया, आज भी हम बर्पी। तो यस गाइस, मैं बता दूँ ये 4th वीक हमारा सारा बर्पी से रिलेटेड वर्कआउट रहेगा। सो माइट बी मैसी बट गुड फॉर यू एट होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले डेली के कार्यक्रम कर ले। वर्कआउट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ मैं, सो दैट आप देख सको। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बॉडी को लूजन अप कर लो, थोड़ा बैंडिंग, साइड रोटेशन, नी किक्स, फ्लटर किक्स, जंपिंग जैक्स, ये सब आप फिनिश करके फिर प्रिपेयर हो जाओ वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए। सब बराबर रीसेट है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन वर्कआउट। सो मैं ये टाइमर सेट कर दूं 15 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट इन 10 सेकेंड्स। हियर आई एम ऑफ टू माई फर्स्ट सेट। सो ये मेरा पहला अटैम्प्ट है आज के वर्कआउट का। अच्छा, अब यहाँ से मैंने ये फर्स्ट सेट को थोड़ा 2 टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ताकि आप लोग को दिखाने के लिए कि ये मैंने कंप्लीट किया वर्कआउट। वैसे दोस्तों, ये वर्कआउट फर्स्ट सेट के बाद ख़त्म होने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि ये है कि ये सेट ख़त्म होने के बाद मैं 2 और अटैम्प्ट करूँगा। सो ये मैंने भी सोचा नहीं था ये सेट ख़त्म होने के बाद कि ऐसा मैं कुछ करूँगा, बट हो गया फ्लो में। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये हुआ कैसे। हे गाइस, मैं ऑलरेडी वर्कआउट का एक राउंड कंप्लीट कर चुका हूँ, 5 मिनट थोड़ा ब्रेक ले चुका हूँ, बट 5 मिनट में मैंने वर्कआउट पूरा फिनिश कर दिया, तो मेरे को पूरा मज़ा नहीं आया। सो मैं सोच रहा हूँ ये वर्कआउट का और एक राउंड मारते हैं 4 टाइम। लेट्स सी अब सेकेंड राउंड में कितना टाइमिंग आता है। यू आर देयर विथ मी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टाइमिंग एक बार फिर से सेट कर दूँ।
तो ये सेकेंड राउंड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके जाते हैं और एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड देखते हैं कि इसका बेस्ट टाइमिंग क्या निकलता है। Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and lala sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke lasses. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, no. To all local international codes, whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish, I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. You're my like Mr. Friendly, and still the spotlight like Mr. Bentley. I spot a hood like Spud McKenzie, and for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my peace? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of Pete Rock, before that bends. So guys, workout का second round खत्म किया मैंने अभी अभी, और second round मेरे को पूरे करने में 5 मिनट लगे. So, total हो गए मेरे 10 minutes, 10 second कम 10 minutes, 15 minute का time cap है, और एक round लगा ले क्या? अब t-shirt निचोड़ के, मैं और एक round करने के लिए ready हो गया हूँ, ये हमारा third and final round है. लेट्स सी इसमें मैं कितना टाइम लेता हूँ. टी शर्ट की हालत पूरी गई है, बट होपफुली 3 rounds 15 minutes के अंदर करके ही हम मानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सेट द टाइम वंस अगेन. 3, 2, let's go. अब ये मेरा थर्ड एंड फाइनल राउंड चल रहा है. इसमें मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ है ये राउंड से. मैंने काफ़ी एक्यूरेटली अनब्रोकन सेट्स मारे हैं ये वर्कआउट में, और ये सेट्स में मेरा सबसे बेस्ट टाइमिंग आया है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ये वाले सेट को भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रोल किया जाए और फास्ट एंजॉय किया जाए, एंड आखिरी में मिलते हैं ये वर्कआउट के. एंजॉय.
finally satisfied with the time. Hello guys, I know I'm looking dirty right now, but क्या करे, थर्ड राउंड मारने के बाद हालत ऐसी हो जाती है. सो थर्ड राउंड मेरा सबसे बेस्ट राउंड था. मैंने थर्ड राउंड में कंप्लीट किया 4.47, 4 मिनट एंड 47 सेकेंड्स मेरे को लगे. ये मेरा बेस्ट स्कोर था जो कि थर्ड राउंड में मेरे को मिला. अगर मैं थर्ड राउंड तक शायद पुश नहीं करता तो मेरे को बेस्ट टाइमिंग नहीं मिलता, बट मेरा डिसीजन अच्छा था, मतलब राइट था थर्ड राउंड पुश करने के लिए. तो आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्कआउट फाइनली, आई एम डन फॉर टुडे एंड नाउ फाइनली इट्स योर टर्न. डिपेंड है कि आपको कितना राउंड करना है. वैसे वर्कआउट फॉर टाइम ही है, एक वर्कआउट में मामला सेट हो जाएगा अगर आप चाहे तो, बट इफ यू आर लिटिल बिट क्रेजी एंड वांट टू पुश मोर यू कैन डू इट राइट. सो ऑल द बेस्ट फॉर द वर्कआउट, पुट अप योर बेस्ट स्कोर. द स्कोर टू बीट इज 4 मिनट एंड 47 सेकेंड्स. ऑल द बेस्ट.